Hello and welcome to Intelligent Education System. Today we are going to study the painting 5 Mother Teresa for class 12. Okay, पहले painting को देखते हैं. इस painting में ये जो वाइट साड़ी एंड यहाँ पे येल्लो साड़ी में जो दिखाया गया है मदर टेरेसा को दिखाया गया है. ये वाइट साड़ी जिसमें ब्लू बॉर्डर है, इसका जो आंचल है वो यहाँ तक लहरा रहा है. इस थर्ड पार्ट में दिखा रहा है कि एक ऑर्फिन मतलब अनाथ और जिसके सर पर घर नहीं हो, शेल्टर ना हो, उसको मदर टेरेसा शेल्टर दे रही हैं. एंड यहाँ पे एक बीमार इंसान का इलाज करते हुए दिखा रही है. एंड जो ये हाथ दिखा रहा है ये बता रहा है कि टेंशन मत लीजिए, हम हैं, हेल्प करेंगे. एंड यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा को दिखा रहा है जिसको मदर टेरेसा की गोद में वो सारी मतलब जो बच्चा को प्यार मिले, छोटा बच्चा को प्यार मिले वो मिलेगा और मिला. एंड लीव्स दिखा रहा है कि हमेशा होप वगैरह को दिखा रहा है जो मदर टेरेसा के पास हमेशा था. और पीपल को एंड पीपल के फेसेस नहीं दिखाए गए कहीं भी, तो इससे मतलब कोई भी किस रिलीजन का, कास्ट का, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मदर टेरेसा सबको इक्वल मानती थी. ये है नाउ कमिंग टू द अबाउट द पेंटिंग. ओके, नेम ऑफ द पेंटिंग इज मदर टेरेसा, पेंटर एम एफ हुसैन, मीडियम ऑयल एंड आर्कलिक कलर्स ऑन कैनवस, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, पीरियड मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सरका 1979-80. इस पार्ट में हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में अबाउट द पेंटर एंड द ट्रिक टू रिमेंबर द पेंटिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Description: Mother Teresa is a series of painting on canvas initiated by Maqbool Fida Hussain in 1979 AD. In this painting, oil and acrylic colors have been used. ये canvas पर हमें बनाएंगे जिसमें oil color and acrylic color को use किया गया है, ठीक है. In this famous painting, the world famous affectionate Mother Teresa and various work forms related to human sensation have been shown being done by her institution. उनके इंस्टीट्यूशन ने बहुत काम किया है. द पेंटर हैज एक्सटेंडेड द ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी इन सच वे दैट द कलरलेस फेसेस माइट बिकम डोमिनेंट विदाउट डिस्क्राइबिंग सेंटिमेंट्स लाइक रिलीजन, कास्ट, ब्रीड, एपथर्ड. ऑन द वन साइड ऑफ द साड़ी सी इज गिविंग शेल्टर टू एन अफेक्शनेट गर्ल हु रिप्रेजेंट द ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन हैज बीन शोन. अब देखिए जो पेंटिंग में फेसेस नहीं दिखाए गए जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया क्यों नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि सारे पीपल इक्वल हैं, कोई किसी को हम लोग अलग नहीं बता सकते हैं, ठीक है. और जो बताया गया कि एक साड़ी के साइड में दिखाया गया एक बच्चे को शेल्टर देते हुए होमलेस को मतलब अपनी शरण में रखना, मैंने अपने अंडर रख दी थी वो. द राइट हैंड सीम्स सिग्नलिंग दैम ऑफ कीपिंग होप, जो उनका बीच में हाथ दिखाया गया है वो होप रखने के लिए बताया गया है. सॉलेंस एंड इंड्योरेंस, मतलब कि कभी भी हमें भरोसा नहीं खोना है कि जैसे वो बीमार इंसान है तो वो मर जाएगा, बट होप तो रख सकते हैं ना कि हम बचा सकते हैं उन्हें. इन द शेडो ऑफ द शेप ऑफ द ब्लू बॉर्डर्ड येलो साड़ी शी हैज सीन अ ग्रीन कलर्ड लीव्स इन्फ्यूज इन देम द नर्चरिंग ऑफ एन इन्फेंट. एक प्यारे से बच्चे को पालना, इसी को नर्चरिंग बोलते, ठीक है. एंड द एसेंस ऑफ ऑल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इन अफेक्शनेट लैप, मतलब वो बच्चे को अपनी छाया में ही रख के बहुत सारा प्यार देंगे. इन दिस वे बाई डिवाइडिंग द पिक्चर इन थ्री फेज द पेंटर हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग. पेंटिंग को थ्री फेज में डिवाइड करके अलग अलग बातों से मकबूल फिदा हुसैन ने बहुत अच्छे से बताया है मदर टेरेसा के वर्क को. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel. And second video is about the author. Thank you.